नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी कंपनियां बोनस शेयर इश्यू करती है, किस तरह की कंपनियां बोनस शेयर इश्यू करती है, कैसे हम पहचाने कि ये कंपनी आगे चल करके बोनस शेयर इश्यू कर सकती है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि विच टाइप ऑफ कंपनी इश्यू बोनस शेयर, क्योंकि जो विप्रो है, इन्फोसिस है, ये तो कंपनियां काफ़ी ग्रो हो चुकी है, ये ब्लू चिप कंपनियां बन चुकी है, तो ये कंपनियां में अब ग्रोथ नहीं है। हाँ, बोनस शेयर देगी, लेकिन आपके साथ साथ ग्रोथ चाहिए, तभी तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा उस पर। तो हम इस वीडियो में उसी बात पर चर्चा करेंगे, विच टाइप ऑफ कंपनी इश्यू बोनस शेयर। तो हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो का, विच टाइप ऑफ कंपनी इश्यू बोनस शेयर, तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकल बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम जाएंगे अपने डाटा पर, जो एग्जाम्पल है उस पे। तो सबसे पहले देखते हैं विच टाइप ऑफ कंपनी इश्यू बोनस शेयर। तो सबसे पहले जो कंपनियां होना चाहिए वो कैश रिच कंपनियां होना चाहिए, वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनियां होना चाहिए। वेल एस्टेब्लिश नहीं तो सिर्फ एस्टेब्लिश्ड जरूर बोल सकते हैं कि वो अपने बिजनेस में एस्टेब्लिश हो, तब तो वो आगे चल करके वेस्ट एस्टेब्लिश बनने की कोशिश करेगा, अपने कंपनी को और ग्रो करने का कोशिश करेगा। जो कंपनी एस्टेब्लिश ही नहीं बिजनेस में, वो तो स्ट्रगल करेगा। तो कंपनियां क्या होनी चाहिए, कैश रिच होना चाहिए, कंपनियां अपने जो बिजनेस है उसमें वेल एस्टेब्लिश होने चाहिए, तब फिर वो जब एक्सपेंडिचर पे ध्यान देगा तो अपने रिजर्व और सरप्लस मनी को यूज करना चाहेगा, जिसके बदले वो इन्वेस्टर को क्या करेगा, बोनस शेयर इश्यू करेगा। द कंपनी विच आर हंग्री फॉर ग्रोथ, तो कंपनी सबसे पहले कैश रिच हो, वेल एस्टेब्लिश हो, उसके बाद कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसके पास क्या होना चाहिए, हंग्री होना चाहिए, मतलब भूख होनी चाहिए फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए, कहाँ पे, नेशनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे। तो कंपनी क्या हो, वेल एस्टेब्लिश हो, कैश रिच हो, उसके बाद कंपनी के मैनेजमेंट में एक हंगरी हो, एक भूख हो, किसका, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब ग्लोबल लेवल पे कंपनी को एक्सपेंड करने का, ग्रो करने का, एंड वांट टू री इन्वेस्ट कंपनी रिजर्व एंड सरप्लस मनी टू इंक्रीज द कैपिटल बेस। तो इसलिए वो क्या करेगा, कंपनी का जो रिजर्व और सरप्लस मनी से है उसको री इन्वेस्ट करेगा कैपिटल बेस को इंक्रीज करने के लिए, और जब इसको रिजर्व और सरप्लस मनी को यूज करेगा तो इसी के बदले, क्योंकि ये मनी तो शेयर होल्डर का है, तो शेयर होल्डर को वो क्या करेगा, बोनस शेयर पहले इश्यू करेगा, उसके बदले रिजर्व और सरप्लस मनी को, और फिर उसको क्या करेगा, कंपनी में यूज करेगा। टू यूज इट्स रिजर्व एंड सरप्लस मनी कंपनी इश्यू द बोनस शेयर टू इट्स शेयर होल्डर, अपने शेयर होल्डर को क्या करता है, बोनस शेयर इश्यू करता है। तो दोस्तों ये लॉजिक है कि कौन सी कंपनियां बोनस शेयर इश्यू कर सकती है। तो ये कंपनियां तो आपको पहचानना पड़ेगा आने वाले समय में कौन सी कंपनियों में ग्रोथ है। तो दोस्तों बता दें, जो कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है आगे उस कंपनियों में ग्रोथ है इंडिया में, जो कंपनी आईटी सेक्टर में है, मतलब जो छोटी कंपनियां हैं जो एस्टेब्लिश हो चुकी है उसमें ग्रोथ है आगे। साथ ही साथ आपको जो फार्मा सेक्टर 2-3 साल उसमें भी आपको ग्रोथ देखने मिल सकता है। तो जो कंपनियां फाइनेंस सेक्टर में है, छोटे छोटे छोटी कंपनियां जो एस्टेब्लिश है उसमें आपको ग्रोथ देखने मिल सकता है। तो जो फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर में है, आईटी सेक्टर में है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, इन सब कंपनियों में आगे आने वाले समय में आपको ग्रोथ देखने मिल सकता है। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है, क्योंकि अब एग्रीकल्चर में फिर से एक बार हमारे देश में बूम आने वाला है, तो इन सारे स्टॉक्स को आपको देखना है कि कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें आगे ग्रोथ का प्रोस्पेक्टिव बहुत ही ज़्यादा ब्राइट। तो चलिए एक हम पुरानी कंपनियों का आपको फाइनेंस सेक्टर से एग्जांपल देते हैं, जो ग्रो की है और लगातार इंटरवल पर अपने शेयर होल्डर्स को बोनस दिया है और 1,000 शेयर को 40,000 शेयर बना दिया है। 40,000 शेयर, मतलब 40,000% का वो रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को, 40,000% का, और वो सिर्फ 2020 से 2020 के बीच 20 साल में 40,000% का रिटर्न, मतलब हर साल 2,000% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को। तो दोस्तों इस वीडियो में जो हम आपको एग्जांपल देने वाले हैं वो है मानापुरम फाइनेंस सर्विस कंपनी। दोस्तों ये एक छोटी सी माइक्रो कैप कंपनी हुई करती थी 2000 ईस्वी के आसपास, और अभी एक मिड कैप कंपनी बन चुकी है, और ये कितनी बार बोनस दी है अपने इन्वेस्टर को वो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2011 ईस्वी में 1:1 का रेशियो, 1:1 में, 2017 में 1:1 के रेशियो में, कितना हो गया आपका, यहाँ पर अगर आप 2007 में ले रहते, अगर 1000 से 2000, 2010 में मतलब 2000 आपका हो गया 4000, फिर 2010 में ये लाया स्टॉक स्प्लिट, 10 से 2 कर दिया फेस वैल्यू, तो 5 गुना, तब 2000 आपके यहाँ पर जो हुआ था 1000 से 2000, 2000 से 4000, आप 5 गुना कर दिए 20,000, फिर 2011 में कर दिया 20 को 40,000, तो समझ सकते हैं 1,000 शेयर को आपको बना दिया 40,000 शेयर,
और इसका आप देख सकते हैं इसका चार्ट पर अगर देखिएगा तो इसका प्राइस भी काफ़ी कम हुआ करता था पहले। अभी देख सकते हैं यहाँ पर 2010 में ये 36 रुपये का था, यहाँ पर देखिए 21 रुपये का 2012 में, यहाँ पर देखिएगा 22 रुपये का था 2013 में। तो काफ़ी ये प्राइस भी इसका कम हुआ करता था, और अभी आप देखिएगा तो अभी ये कंपनी 200 रुपये के आसपास है। और मार्केट कैप देखिएगा तो कैसे ये स्मॉल कैप कंपनी थी, आप इसका मार्केट कैप देख सकते हैं, पहले ये माइक्रो कंपनी थी, छोटी सी कंपनी थी, अभी 13,000 का सिर्फ मार्केट कैप है इस कंपनी का। तो समझ सकते हैं ये मिड कैप कंपनी है अभी, एक पहले ये एक छोटी सी माइक्रो कैप कंपनी हुई करती थी, वहाँ से ये मिड कैप होने तक का सफ़र तय किया और अपने इन्वेस्टर के 1,000 शेयर को 40,000 शेयर बना दिया। तो दोस्तों ऐसे ही कंपनियाँ आपको चुननी है, किसी भी सेक्टर से होनी चाहिए वो, ऐसा नहीं कि वो फाइनेंस से, हमने एग्जांपल दिया फाइनेंस से, आईटी से, तो वो आईटी और फाइनेंस से ही हो, वो किसी से हो सकता है, फार्मा सेक्टर से हो सकता है, एग्रोकेमिकल सेक्टर से हो सकता है, स्पेशलिटी केमिकल से हो सकता है, फाइनेंस से भी हो सकता है, तो किसी भी सेक्टर से हो सकता है। तो वैसी कंपनियाँ जो कि अभी मार्केट में एस्टेब्लिश हो चुकी है और आगे ग्रोथ पर ध्यान दे रही है, मतलब उसका मार्केट में जो कंट्रीब्यूशन हो 10% हो और वो चाहता है कि कंट्रीब्यूशन उसका 50% तक जाए, 10 से 50% तक, तो वो कंपनियां क्या करेगी, आपको बहुत ही ज़्यादा ह्यूज रिटर्न देगी। तो ये था एक छोटा सा हमारी तरफ से प्रयास कि आपको कौन सी कंपनियां जो है बोनस शेयर दे सकती है। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशन वीडियो आपको मिलता रहे।